हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ से जो आपका चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, सिक्स्थ चैप्टर, उसका एग्जांपल नंबर एट्थ लेके आया हूँ, जो कि आपको दिया हुआ है पेज नंबर 106, जो एक्सरसाइज 6.3 का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर एट्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्स में 99% आता है। तो आप सभी देखेंगे इसे, मैं आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। देखिए, यहां दिया हुआ है द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स ई एंड डी रेस्पेक्टिवली। अच्छा, बाकी के सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आपसे क्या बोल रहा है कि द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी साइड ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया गया है आगे तक ई और डी पॉइंट्स तक। तो सबसे पहले मैं वही बनाऊंगा आपको, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा भी कैसे क्या हुआ है। मान लेते हैं कि ये कोई एक ट्राइंगल है बच्चों ए बी सी, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले फिगर समझना बहुत जरूरी है कि ये बनेगा कैसे। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में आए। कोई ट्राइंगल ए बी सी था जिसकी ए बी और ए सी साइड को प्रोड्यूस किया गया, ए बी को आगे किया, ए सी को आगे प्रोड्यूस किया, सपोज किस पॉइंट तक, ध्यान से, पॉइंट्स ई एंड डी रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले ए बी लिखा है, पहले ई लिखा है, तो यहां पर पक्का ई आएगा और यहां पर बच्चों डी आएगा। ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया। If bisectors BO and CO of angle CBE and BCD, CBE angle कहाँ है? CBE ये वाला angle, ठीक है, और BCD कहाँ है? BCD ये वाला, मतलब exterior angles की बात हो रही है इस वाले और इस वाले की। कह रहा है if bisectors BO and CO, BO और CO bisectors हैं इस वाले angle के और इस वाले angle के, जो कि meet at point O, O point पर meet कर रहे हैं। तो ये understood है बच्चों कि जब इनके बाइसेक्टर्स हैं तो ऐसे बनेंगे। ठीक है, एक मिनट, अब सही है, अब सही है। ठीक है, बीओ देख पा रहे हैं आप, बीओ एंड सीओ आर द एंगल बाइसेक्टर्स। तो मैं एंगल बाइसेक्टर्स को ठीक से थोड़ा बनाता हूं। जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये इसके इक्वल है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल जो है वो इस वाले के इक्वल है। समझ में आ गया होगा। चलिए, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि जो ये वाला एंगल है BOC वो इक्वल होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। BAC का मतलब अकेला मैं एंगल A भी बोल सकता हूं, चलेगा। सबसे पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फिगर कैसे बनेगा और करना क्या है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, गिवन आपको दिया क्या हुआ है, BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स। मैं जो चीजें गिवन है वो लिख देता हूं, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी बी ई एंड एंगल बी सी डी। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, लिखते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की इसमें कोई जरूरत नहीं है तो मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा। देखिए, अब मैं आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योमेट्री में मेरी स्पेशलिटी है कि जो भी मैं प्रूफ होते हैं उनका टारगेट सेट करवाता हूं ताकि आपको याद ना करना पड़े, मेमोराइज ना करना पड़े। इसीलिए मेरी वीडियोस थोड़ी लेंदी होती हैं, लेकिन हमेशा होती रहेंगी, तभी आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। जल्दी जल्दी अगर मैं आपको ऐसे ही करा दूंगा तो फिर रटना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंदी होंगी, हमेशा रहेंगी। देखिए, आपको ये वाला एंगल निकालना है, एंगल बी ओ सी। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास में ये वाला एंगल, एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी, ये दोनों एंगल्स अगर आपको मिल जाएं तो बी ओ सी निकाल लेंगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी से। बोले ठीक है। अब बोले ये वाला एंगल कैसे मिलेगा फिर, एंगल ओ बी सी। बोले ये वाला जो एंगल है ओ बी सी, ये हाफ होगा इस पूरे एंगल का, इस वाले पूरे एंगल का, क्योंकि बाइसेक्टर बोला हुआ है। बोले हाँ, ये बात भी सही है। तो ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, बोले सब चीजों को छोड़िए, सबसे पहले एक काम करते हैं, इनको हम जो है यहां पे तीनों एंगल्स को कुछ ना कुछ नेमिंग कर देते हैं, एक्स वाई जेड मान लेते हैं। बार बार मैं कब तक लिखूंगा एंगल ए एंगल बी, नेमिंग कर दी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से एक टारगेट सेट हो गया कि कैसे भी करके सबसे पहले मुझे ये वाला एंगल निकालना है, कौन सा एंगल सी बी ई, क्योंकि इसका जब मैं हाफ करूंगा तब ये वाला एंगल मिलेगा अंदर वाला ओ बी सी।
अब ये वाला एंगल सी बी ई कैसे निकलेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ा है, लीनियर पेयर से इस पूरे एंगल सी बी ई और इस वाई, इस दोनों का सम कितना होगा 180। तो थोड़ा आइडिया लग गया कि हाँ अब ये चीज करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल सी बी ई प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स LPA, शॉर्ट में लिख दिया है ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एंगल सी बी ई तो हमें निकालना है लेकिन वो मेरे पास वाई दे रखा है, दे क्या रखा है मैंने लेट कर लिया, नेमिंग कर दिया, वाई जब उधर जाएगा तो मेरे पास में ये एंगल सी बी ई निकल के आ गया 180 माइनस वाई, ये एंगल सी बी ई आ गया। अब मैं आराम से एंगल ओ बी सी निकाल सकता हूं, अब मैं आराम से नाउ एंगल ओ बी सी कितना होगा, हाफ होगा एंगल सी बी ई का, ये जो सी बी ई एंगल है पूरा इसका हाफ होगा। क्यों होगा, रीजन लिखेंगे आप, सिंस बी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि जो बी ओ है वो एंगल बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल ओ बी सी हाफ ऑफ 180 माइनस वाई, क्यों, क्योंकि ये एंगल सी बी ई हमने ऊपर निकाल रखा है, ये हमने पुट कर दिया। बच्चों सेपरेट करूंगा तो 180 अपॉन 2 आएगा माइनस वाई अपॉन 2 आएगा, सेपरेट करना आप जानते ही हैं, तो 180 अपॉन 2 90 हो जाएगा, यानी कि ये फाइनली आ गया 90 माइनस वाई अपॉन 2, 180 अपॉन 2 90 माइनस वाई अपॉन 2, तो मेरे पास एंगल ओ बी सी निकल आया। अब मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से वहां लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है, रब करूंगा फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया एंगल ओबीसी मेरे पास आया है 90 माइनस का वाई अपॉन 2, मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं और अब मैं आराम से इसे रब कर सकता हूं, सही है, बाकी आप भी नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसे रब कर दूं, इसकी तो अब जरूरत है ही नहीं है। अब देखिए यहां से अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे मैंने यहां से एंगल ओ बी सी निकाला है, इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट एंगल ओ सी बी। अच्छा बच्चों एक काम और करते हैं, मैं गिवन और टू प्रूफ को भी हटा देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, वो तो मुझे आपको सिखाना था कि पहले कौन सा स्टेप लिखते हैं, क्योंकि टू प्रूफ आप यहां से देख सकते हैं, ये रहा, ये हमें लेके आना है, ये तो जगह थोड़ी बच जाएगी। देखिए अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए ओ सी बी, क्या करेंगे, अगेन एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए सी बी, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सही है। एंगल बी सी डी हमें चाहिए, वो हमने जेड माना हुआ है 180, तो बच्चों एंगल बी सी डी हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस जेड। ठीक, अब बी सी डी आ गया तो आराम से ओ सी बी निकल आएगा क्योंकि वो तो हाफ है, एंगल ओ सी बी जो है वो हाफ है एंगल बी सी डी का, रीजन क्या लिखेंगे, सिंस सी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि सी ओ एंगल बाइसेक्टर है इसीलिए हाफ होगा। तो एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी हाफ ऑफ 180 माइनस जेड, क्योंकि हमने बी सी डी अभी अभी ऊपर निकाला है 180 माइनस जेड, तो फिलहाल में ये सॉल्व करके आ जाएगा 90 माइनस जेड अपॉन 2। देखिए जेड मैंने अलग तरीके से बनाया है, 2 अलग तरीके से ताकि कंफ्यूजन ना हो, 180 अपॉन 2 90 माइनस जेड अपॉन 2, इतना क्लियर हो गया, ओ सी बी आ गया, ओ बी सी आ गया, यही टारगेट सेट किया था कि कैसे भी अगर ये दोनों एंगल मिल जाए तो ये एंगल बी ओ सी आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, नाउ इन ट्राइंगल बी ओ सी, हमने बी ओ सी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का सम 180, बी ओ सी एंगल तो हमें प्रूफ करना है, तो इसको तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। एंगल ओ बी सी कितना है, वहां पे देखिए कितना आया हुआ है 90 माइनस वाई अपॉन 2, और ओ सी बी कितना है हमारे पास, ये रहा 90 माइनस जेड अपॉन 2। बच्चों 90
90, कितना 180, और जब ये 180 है तो उधर ट्रांसपोज होगा तो भी नेगेटिव होगा, अदरवाइज ये वैसे भी ये दोनों कट जाएंगे 180 से 180। तो फाइनली एंगल बीओसी कितना आएगा, यहां पे साइड में लिख दो एंगल बीओसी जो है, एंगल बीओसी कितना आएगा, ये माइनस का वाई अपॉन टू उधर जाके पॉजिटिव होगा, माइनस जेड अपॉन टू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका y अपॉन टू प्लस का z अपॉन टू, ये एंगल BOC। लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है, अजीब मतलब हमने हाफ को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा y प्लस z, सही है, हमने हाफ को नीचे से कॉमन लिया तो बचा y प्लस z। अब ये तो एंगल BOC इतना आ रहा है, लाना तो हमें कुछ और है, इसका मतलब अभी कहीं पे हम कुछ चीज मिस कर रहे हैं। मैं ऐसे आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि रटने की जरूरत ना पड़े। हमने कहा ठीक है चलो देखते हैं क्या होगा, लाना है हमें एंगल BAC और एंगल BAC की जगह क्या है X माना हुआ है, जबकि आ रहा है Y और Z इसमें। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा हम क्या करें कि Y और Z आ रहा है इसमें और इसको हम कैसे भी X लेके आए। तो हमारे दिमाग में यहां पे एक चीज निकल के आई कि क्यों ना हम ट्राइंगल ABC में, आप ध्यान से देख लीजिए मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो आप उस ट्राइंगल में खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा अगर हम ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें तो हमारा काम बन जाएगा। एन ट्राइंगल ABC कैसे, तीनों एंगल्स का जो सम होगा x प्लस वाई प्लस जेड वो 180 डिग्री के इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मुझे जरूरत किसकी है, y प्लस जेड। अच्छा मैं एक काम और करता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, ठीक है, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स हमें चाहिए y प्लस जेड, हम यहां से y प्लस जेड अगर निकालते हैं इट विल बी 180 माइनस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इस y प्लस जेड की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दूंगा, पुट, एक काम करो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू को फर्स्ट में रख दीजिए, देन वी विल गेट एंगल BOC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स, बिकॉज हमने यहां से जो y प्लस जेड की वैल्यू आई है वो मैंने इसमें पुट कर दी यहां पे। तो स्टूडेंट्स जब इसे हम सेपरेट करते हैं, अच्छा कुछ बच्चों को बार बार अगर सेपरेट करना समझ में नहीं आ रहा हो कि आप कैसे करते हो तो एक बार बता देता हूं, 180 अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन टू, हाफ का दोनों में मल्टीप्लाई किया है सेपरेट से, ऐसे समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स 180 अपॉन टू जैसा कि आप जानते हैं 90, और ये माइनस का एक्स अपॉन टू, यही तो बचेगा, ये तो कट जाएगा, लेकिन एक्स की जगह हमने नेमिंग क्या है वहां पे, एक्स क्या है एंगल बीएसी, तो फाइनली ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बीएसी। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये इसका यहां पे प्रूफ हो गया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि एंगल BOC इसमें है, कैसे प्रूफ हो क्या है। स्टूडेंट्स ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे भी काम आता है, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अग्रवाल में दिए, या एक क्वेश्चन बन के आ सकता है बहुत आराम से, एक नंबर में बन सकता है, ऐसे ही बिल्कुल लैंग्वेज रखेगा कि AB और AC को प्रोड्यूस किया और ऐसे ऐसे बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। अब आपको यहां पे एंगल A दे देगा, बता देगा एंगल A 50 है सपोज, तो आपसे बोलेगा कि फाइंड एंगल BOC। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का ये स्टैंडर्ड पैटर्न का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो आप क्या करेंगे, 90 माइनस हाफ ऑफ इसकी जगह रख देंगे 50, क्योंकि ये 50 दिया है तो 2 से कट जाएगा 25, 90 में से 25 गए तो कितने बचे 65, तो आपका सीधा सीधा ये आंसर निकल आएगा 65। तो एक मार्क का, 1 मार्क का ये सीधा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, शर्त ये है कि आपको इस क्वेश्चन का ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए, तो आप इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि कभी भी बाहर की तरफ अगर बाइसेक्टर करते हैं एंगल, बाइसेक्टर्स होते हैं बाहर की तरफ, तो ये जो बाहर एंगल बनता है नीचे एंगल BOC, ये 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स और हैं स्टैंडर्ड, वो भी मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, तभी आपको मेरे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सारे पेजेस का लिंक दे दूंगा, वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।